दोस्तों ये बात आप जानते हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस के असली जान, लाखों दिलों की धड़कन, डार्लिंगों के डार्लिंग डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म सलार को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि इसी महीने की 22 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाई सलार के फाइनल ट्रेलर को जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसको देखने के बाद भैया डार्लिंग प्रभास के दीवाने ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भाई डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाले इस फिल्म के माध्यम से सभी मिथकों को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान बनाएंगे बॉक्स ऑफिस पर और अपने पुराने दिन वापस लाएंगे। तो भाई बहुत सारी उम्मीदें इस फिल्म के ऊपर टिकी हुई है डार्लिंग प्रभास के दीवानों की। और भाई अब डार्लिंग प्रभास की आने वाली इस फिल्म को लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है उसको देखने के बाद तो हम आपसे यही बात कहेंगे कि भैया इस फिल्म को सुपर से ऊपर बनाने के लिए और ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बनाने के लिए भाई इस फिल्म के मेकर यानी कि भैया प्रशांत नील ने ये प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी अपने दिमाग में, जिसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों के सामने आ गया कि भैया ये फिल्म केवल इन्हीं लोगों के लिए बनी है। तो क्या है ये जानकारी, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भाई डार्लिंग प्रभास की ये फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई इस फिल्म का टोटल लेंथ कितना होने वाला है और इस फिल्म को कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता है। तो दोस्तों सेंसर बोर्ड की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है सलार को और ये बात बता दी गई है जनता को कि भाई इस फिल्म का जो टोटल लेंथ होने वाला है वो लगभग 3 घंटे का होने वाला है, यानी कि भैया 2 घंटा 55 मिनट की ये फिल्म है। और भाई इस फिल्म को मिला है वो सर्टिफिकेट जिसको देखने के बाद मैंने ये बात आप लोगों से कही थी कि भाई प्रशांत नील ने जब इस फिल्म का स्टोरी सोचा था, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था, इस फिल्म की कहानी को अपने दिमाग में बुना था, तो उसी वक्त उनके दिमाग में ये फॉर्मूला सेट हो गया था कि भाई हमें इस फिल्म को पूरे समाज को नहीं दिखाना है, हमारी ये फिल्म दादा दादी की कहानी वाली फिल्म नहीं होगी, ये फिल्म आज के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी जिनको भैया फास्टेस्ट इंटरटेनमेंट चाहिए, यानी कि भैया वो ज्यादा लेंदी फिल्में नहीं देखेंगे, उन्हें तबातोड़ एक्शन मूवी चाहिए, उनको तबातोड़ स्पीड गति से दिखने वाला इंटरटेनमेंट चाहिए, तभी भैया हम ये फिल्म इसी फॉर्मेट में बनाएंगे, यानी कि भैया इस फिल्म को मिला है ए का सर्टिफिकेट। तो आप समझ लीजिए कि इस फिल्म में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। अब देखिए हाल फिलहाल में ही एक फिल्म लगी हुई है जिसका नाम है एनिमल, जो कि भैया ए का सर्टिफिकेट हासिल करके भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। तो भाई वहां पर संदीप रेड्डी वांगा के दिमाग में ये बात तो पहले से ही सेट हो गया था कि भैया जो फिल्म हम बना रहे हैं उसमें ये सारी बातें होंगी, तो क्या उनको इस बात का भय नहीं होगा कि भाई हमारी इस फिल्म को भैया यूए का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और हमारी इस फिल्म को कई सारे लोग नहीं देख पाएंगे, यानी भैया बच्चे नहीं देख पाएंगे, युवा जो हो रहे होंगे 12-13 साल के वो हमारी फिल्म को नहीं देख पाएंगे, तो भैया उससे हमारी फिल्म को नुकसान नहीं होगा। संदीप रेड्डी वांगा के दिमाग में ये बात होगी, लेकिन भैया उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपने ऑडियंस को टारगेट किया कि भैया हम ये फिल्म इसी फॉर्मेट में बनाएंगे और हम एडल्ट लोगों को ही ये फिल्म दिखाएंगे। और भाई उनकी ये थॉट सही साबित हुई है और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस भी करी है। बात समझ सकते हो कि भैया सलार के मेकरों ने भी जब इस फिल्म को बनाया होगा तो उनके दिमाग में ये बात तो सेट की होगी कि भैया हमारी ये फिल्म पारिवारिक नहीं होने वाली है, तो भाई हमारे इस फिल्म से कई सारे दर्शक जो है वो वंचित रह जाएंगे, तो भैया इसे तो हमें नुकसान होगा। लेकिन नहीं बाबू, सोची समझी प्लानिंग के तहत ये फिल्म उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जिनको वायलेंस पसंद है, यानी कि भैया मॉन्स्टर टाइप के फिल्में देखने वाले दीवानों के लिए फिल्म बनी है, डायनासोर टाइप के लोगों को सिनेमा घरों में देखने वाले लोगों के लिए फिल्म बनी है। तो भाई तभी तो इस फिल्म को ए का सर्टिफिकेट मिला है।
तो भैया इस फिल्म को लेकर अंदर खाने से बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है कि भैया अभी तक आप लोगों ने जो ट्रेलर में देखा है ना बाबू, वो तो कुछ भी नहीं है। जब आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में जाकर देखोगे, आपको वहां पर ऐसे कई सारे अलग अलग सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, जिसको देखने के बाद आपके दिमाग से वो भ्रांति निकल जाएगी कि अबे यार, ये सारे सीन्स तो हम लोगों ने KGF के चैप्टर 1 और KGF के चैप्टर 2 में देख लिया था। यानी कि भैया जो कुछ आपको दिखाया गया है ना, वो ट्रेलर था बाबू, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है दोस्त। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।